सानंदमानंदवने वसंतम आनंदकंदम हतपापवृंदम वाराणसीनाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग काशी में विराजमान हैं, और काशी में होना सबके भाग्य में नहीं है। जिसमें बाबा विश्वनाथ की कृपा होती है, माँ भगवती गंगा की आशीर्वाद होता है, वही काशी में आता है। और काशी में आने के बाद भी लोग टहल के चले जाते हैं, लेकिन हम लोग का तो परम सौभाग्य है कि हम लोग काशी में जो अवस्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा जो स्थापित है, जो उनकी साक्षात उनकी कीर्ति का पुंजभूत है, उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हम लोग अध्ययनरत छात्र हैं यहाँ के। तो हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ के छात्र हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एक इसका भाग है, वो राजीव गांधी साउथ कैंपस है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही अंदर में एक महिला महाविद्यालय भी है, ठीक है, वो इंटीग्रेटेड की क्या कुछ बोलते हैं वो है। और इससे चार संबद्ध कॉलेज हैं, ठीक है, तो कुछ तीन लड़कियों के लिए है, एक लड़कों के लिए है। तो उसमें उसी क्रम में आज हम लोग DAV PG कॉलेज में बैठे हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। तो आप देख रहे होंगे DAV PG कॉलेज का ये ग्राउंड है, और इस DAV PG कॉलेज के ग्राउंड में आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं, क्या है, कैसे कॉलेज है, कैसे पढ़ाई होती है, कि केवल नाम का ही है, एफिलेटेड है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा, और हमेशा की तरह मैं आज आपको सुन पा रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि आज हम लोग BHU के इस एकमात्र को एडेड DAV कॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को जो तमाम विद्यार्थी देख पा रहे हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूँगा, आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आज 100% बहुत ही आपको उन सब बातों को जानने का मौका मिलेगा जो जनरली आपको नहीं कहीं सुनने को मिला होगा। चूँकि हमारे सामने कैमरे पे आप जिन एक काशी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत सर को देख पा रहे हैं, अभिषेक भार्गव तिवारी जी को सुन पा रहे हैं, सर इसी विश्वविद्यालय के एफिलेटेड कॉलेज DAV से पढ़े हुए हैं, जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा तिवारी जी आपसे, जी आपको कैसा लगा इस विश्वविद्यालय के DAV एफिलेटेड कॉलेज में पढ़ के? जैसा कि जब सभी को पता है कि महाविद्यालय है, एक विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय की अपनी गरिमा है, महाविद्यालय की अपनी गरिमा है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब एक छात्र जब गांव की पृष्ठभूमि से उठ करके एक शहर में आता है, एक महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में पढ़ने आता है, तो सबसे पहले तो उसकी जो मनोभाव होते हैं वो समझ नहीं पाता है कि आखिर मैं क्या करूँ, किस तरीके से रहूँ, ठीक है। और आप विश्वविद्यालय में जाएंगे तो वहाँ भी मैं नहीं कहता हूँ कि वहाँ के आचार्य नहीं अच्छे हैं, कि प्रशासन वहाँ का नहीं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहली बार आया इस महाविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो मुझे मैं गांव के पृष्ठभूमि से उठ करके आया था, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो यहाँ के जो टीचर थे, यहाँ का जो प्रशासन है, वो बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल महसूस, मतलब इतने मतलब सहयोग और सहायता प्रदान की यहाँ पर स्टेबल होने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार यहाँ पर आया तो इस महाविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो मैंने यहाँ के टीचरों से पूछा कि सर मैं यहाँ पढ़ने के लिए क्या एडमिशन ले लूँ, तो टीचरों ने कहा अरे बिल्कुल निसंकोच में लीजिए। तो हमने कहा सर यहाँ पर रहने वहने की कोई व्यवस्था नहीं है, और मैं भी यहाँ का नया हूँ, सर क्या कई समस्या है थोड़ी आएगी, तो सर बोले तुम एडमिशन ले लो, बाकी जो समस्या आएगी वो तुम्हारी नहीं, वो मेरी समस्या है। अरे वो मेरी समस्या है, यहाँ के टीचर बोले वो तुम्हारी समस्या नहीं, वो मेरी समस्या है। तो मैंने उन पर आश्वस्त होकर के मैंने एडमिशन ले लिया, फिर मैं यहाँ पर रूम इत्यादि खोजा और रहा। तो जब टीचर ने ये कहा कि एडमिशन लो, बाकी समस्या आपकी नहीं, बाकी समस्या मेरी समस्या है, तो इस पर मुझे बहुत अच्छा लगा
कि एक गांव का लड़का आता है और टीचर उसे उसकी समस्या को ना करके वो टीचर उसकी समस्या को अपनी समस्या बताकर समझता है, और सुई से लेकर के सुई की नोक से लेकर के हाथी जैसे बड़ी समस्या तक वो टीचर से संबद्ध रहता है, टीचर से अपनी समस्या को बताता है, टीचर उसकी सारी समस्याओं का निराकरण करता है। तो यहाँ पर एक पारिवारिक माहौल भी है छात्र का और आचार्य के साथ, ठीक है। जैसा कि हम लोग जो हमारी जो गुरुकुलीय पद्धति है, पुरानी पद्धति थी, जिसमें छात्र आश्रम में रहकर गुरुजनों के साथ रहता था पढ़ता था, अपनी समस्या को साझा करता, ठीक वही सारी व्यवस्था यहाँ पर है। हम अपनी समस्या को गुरुजी लोग से, अपने आचार्यों से, मतलब बिना किसी हिचक के, बिना किसी झगझगाहट के, मतलब कोई क्या कह सकते हैं कि कोई बिना किसी हिचकिचाहट के हम अपनी समस्या को गुरुजी के सामने रखते हैं और गुरुजी उसे उतनी ही ध्यान से सुन करके उसका निराकरण करते हैं। तो आप यहाँ पे एडमिशन लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़िए। और जहाँ तक रही बात की क्लासेस चलती हैं, पढ़ाई कैसी होती है, हाँ, तो कुछ समय पहले यहाँ पर किसी ने कहा कि जब मुझे एडमिशन लेना हुआ तो किसी ने कहा भाई वहाँ एडमिशन मत लेना। तो हमने कहा क्यों भाई, काशी हिंदू विश्वविद्यालय संबद्ध है तो एडमिशन ले लेंगे तो क्या बुरा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर बम गिरता है, गोली चलती है, यहाँ पर बम गिरता है, गोली चलती है, वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं है। लेकिन मैंने कुछ लोगों की बातों को सुना और मैं आया। जब मैंने एडमिशन ले लिया तो मुझे वास्तव में पता चला कि यहाँ पर गोलियाँ चलती हैं, बम गिरता है। अच्छा, ऐसा हुआ। वो गोलियाँ कौन है, वो बम कौन है, वो गोलियाँ और वो बम नहीं था जो उसने कहा था। यहाँ पर ज्ञान का बम गिरता है, यहाँ पर ज्ञान का बम गिरता है, अरे वाह, और विद्या रूपी गोलियाँ चलती हैं। तो कौन ऐसा विद्यार्थी है जो विद्या रूपी गोली से छलनी नहीं होना चाहता है और विद्या ज्ञान रूपी बम में वो फटना नहीं चाहता है? मैं बिल्कुल फटना चाहता हूँ जब यहाँ पर ज्ञान रूपी बम गिरे। तो यही सब है। और रही बात कि क्लासेस चलती हैं, तो आप ये मानिए कि मैं तो ये नहीं कहूँगा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्लासेस नहीं चलती हैं, लेकिन ये मानिए कि 90% क्लासेस यहाँ पर डेली चलती हैं। और यहाँ के जो हमारे प्राचार्य जी हैं, जब मैं यहाँ पर था तो उस समय प्रोफेसर सत्यदेव सिंह जी यहाँ के प्राचार्य थे, और उनके निर्देशन में, उनके कार्य कुशलता में DAV परिवार जो है, छात्र भी यहाँ का परिवार का हिस्सा है, आचार्य भी जो प्रोफेसर इत्यादि वो भी यहाँ के DAV परिवार का हिस्सा है, जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो भी यहाँ के परिवार के हिस्सा है। इसलिए एक DAV परिवार है, ना कि एक महाविद्यालय है, ठीक है। तो जो हमारे प्राचार्य जी थे प्रोफेसर सत्यदेव सिंह जी, उनके निर्देशन में यहाँ क्लासेस बाकायदा, कोई भी क्लास खाली नहीं रहती थी। अगर कोई क्लास खाली भी रहती थी तो टीचरों की 4-5 कमेटी बनी थी, वो सारे टीचर अपने अपने समय पर गश्त करते थे, कोई क्लास खाली है तो क्यों खाली है, किसकी क्लासेस है, इसकी सारी रिपोर्ट प्राचार्य को देते थे। और प्राचार्य बिना देरी किए अगले दिन ही उस आचार्य को बुलाते थे कि सर आपकी क्लास खाली थी, आप क्यों नहीं क्लास में उपस्थित थे, बच्चे बैठे हैं, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं, बच्चे कितने दूर दूर से आए हैं, बच्चों का भविष्य है आपके हाथ में है और आप क्लास नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारे प्राचार्य की, और हमारे प्राचार्य छात्रों के प्रति बड़े ही सहृदय हैं, बड़े ही छात्र वत्सल हैं। यदि कोई छात्र प्राचार्य से मिलना चाहता है और प्राचार्य जी किसी भी मीटिंग में या किसी आचार्य से बात कर रहे हों, यदि सूचना पहुंचती है कि सर आपसे बच्चा मिलने आया है, कुछ बच्चे आपसे मिलने आए हैं, तो प्राचार्य जी का एक वाक्य बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है आप लोग बाद में आइए, मेरे बच्चे आए हैं, मुझे अपने बच्चों से मिलना है, सारे काम को छोड़ करके पहले अपने बच्चों की समस्या सुनते थे। तो ये प्राचार्य जी का स्वभाव जो है ये बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। और क्लासेस बराबर यहाँ चलती हैं, सारे टीचर जो हैं राउंड मारते हैं, कोई क्लास खाली है, क्लास में कोई नहीं है तो उसकी सूचना प्राचार्य जी को देते हैं, प्राचार्य जी अगले ही दिन उस आचार्य को बुलाते हैं, पूछते हैं और निराकरण हो जाता है। क्लासेस डेली चलती हैं, सारे टीचर एक से एक बढ़िया टीचर हैं, यहाँ पर शिक्षा में कोई कमी नहीं है, खूब चबक के शिक्षा यहाँ पर मिलती है। और भाई छात्र हैं तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा सारे छात्र यहाँ DM ही बनने वाले हैं, सब पढ़ने ही वाले छात्र हैं, भाई एग्ज़ाम क्रैक किए आ गए, एडमिशन ले लिए, अब उसके बाद में कुछ तो पढ़ते हैं, कुछ बड़े बढ़िया बढ़िया पोस्ट पर चले जाते हैं और कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं। मैं जब इंटर में पढ़ता था तो मुझे अपने आचार्य की बात याद आती है कि उसमें कुछ बच्चे पढ़ते नहीं थे क्लास में, तो आचार्य जी कहते थे कि ठीक है अगर सब लोग पढ़ ही लेंगे तो यदि सब लोग पढ़ लेंगे तो आलू कौन बेचेगा, सब लोग पढ़ के DM हो जाएंगे, SP हो जाएंगे तो आलू कौन बेचेगा, सड़क पे और कुछ सामान कौन बेचेगा। तो कहने का भाव ये था गुरुजी का, वो थोड़ा सा ताना इसलिए मारते थे कि सारे लोग पढ़ें, ठीक है यदि पढ़ेंगे नहीं तो आलू बेचेंगे रोड पे बैठ के, सब्जी बेचेंगे, कोई किसी चीज़ की दुकान लगाएगा,
तो एकमात्र हथियार है पढ़ना। विद्या, पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे आप समाज में एक क्रांति ला सकते हैं विद्या से, ठीक है, स्टडी से, पढ़ाई से। तो इसीलिए पढ़ना चाहिए हम सभी लोग को। और जो भी ये सोचते हैं कि डीएवी में एडमिशन लें कि ना लें, एग्ज़ाम के समय जब एग्ज़ाम होता है तो वो होता है कि भैया कम नंबर आया तो डीएवी मिल रहा है तो क्या एडमिशन लें क्या नहीं, बहुत सारे बच्चों की समस्या रहती है। बहुत सारे बच्चे इस पर क्वेरी करते हैं कि मैं बीएचयू में पढ़ना चाहता हूं तो क्या मैं डीएवी में एडमिशन लूं कि ना लूं। एकदम निश्चिंत होकर के, निसंकोच भाव से होकर के एडमिशन लीजिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ का जो बच्चा पढ़ लेता है वो बीएचयू के भी बच्चों को एक बार टक्कर दे सकता है, ठीक है, यहाँ पर। और आप निसंकोच होकर के एडमिशन लीजिए। और रही बात की यहाँ क्या क्या गतिविधियाँ हैं, तो यहाँ भी बच्चों के लिए जो माहौल है बच्चों के विकास के लिए, उनके चारित्रिक विकास के लिए हर तरीके से, यहाँ पर ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान ही ज़्यादा पढ़ाया जाता है, उनमें बहुत सारे कोई प्रतियोगिताएं होती हैं, उस प्रतियोगिता में बच्चे प्रतिभाग करते हैं। यहाँ पर यूथ फेस्ट होता है, उसमें भी बच्चे अपनी कलाकारी, अपने उनके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाता है ये महाविद्यालय, ये विश्वविद्यालय महाविद्यालय। बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं उन प्रतिभाओं को निकालता भी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होता है, यूथ फेस्ट होता है, यहाँ पर उड़ान होता है, उड़ान में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर प्रतिभा करते हैं। हर यहाँ पे आर्ट है, सोशल है और कॉमर्स है, तीन है यहाँ पर। इन तीन के अतिरिक्त तो मुझे नहीं लगता है कि और कुछ है। सारे में प्रतियोगिता होती, सारे बच्चे करते हैं अपना। उसके बाद फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जो अपना जो स्पंदन होता है, तो यहाँ से जब उड़ान में उड़ते हैं फिर स्पंदन में पहुँच जाते हैं। माने डीएवी का जो यूथ फेस्ट है वो उड़ान है, ठीक है। तो उड़ान में जो बच्चे चयन होते हैं वो फिर जाते हैं स्पंदन में, प्रतिभाग करते हैं, स्पंदन में भी जीतते हैं बहुत सारे। पिछली बार तो कोरोना काल था, उस बीच में नहीं चल रहा था, उसके पहले यहाँ डीएवी के बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे जो वहाँ पर प्रतियोगिता में जीते थे स्पंदन में। और उसके बाद में अभी तो डीएवी जो महाविद्यालय ये धीरे धीरे अपना विकास कर रहा है, विकसित हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पर आप लोग आ रहे हैं, यहाँ पर जिम की भी सुविधा है, आप जिम की भी सुविधा उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपका इंडोर गेम इत्यादि भी है, बहुत सारे बच्चे हैं जो खेल में भी जाना चाहते हैं, एकदम आराम से खेल खेलिए। यहाँ पर खेल की व्यवस्था है, आपकी लाइब्रेरी बड़ी ही आधुनिक लाइब्रेरी है, यहाँ पर लैब भी है, आपकी अंग्रेजी सिखाते हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज सिखाते हैं, हिंदी पत्रकारिता सिखाते हैं। यहाँ पर आपका ट्रैवल एंड टूरिज्म है, उस ट्रैवल एंड टूरिज्म भी आप सीख सकते हैं। ये सब डिप्लोमा कोर्सेज हैं और ये आपकी पढ़ाई के साथ साथ ही आपको ये सब मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपका वो हिंदी पत्रकारिता तो मैंने बताया ही, आपका UGDCA है, ठीक है, जो कंप्यूटर संबंधित है, आपको UGDCA डिग्री मिल जाएगी आपकी ग्रेजुएशन के साथ साथ ही। तो लगभग मतलब एक समग्र रूप से बच्चों का जो चारित्रिक विकास होता है, बच्चों का जो समग्र रूप से विकास होता है, वो विकास में सहयोग प्रदान करता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय DAVPG कॉलेज। और DAVPG कॉलेज में हिंदी विभाग है, अंग्रेजी विभाग है, AIC विभाग है, हिस्ट्री विभाग है, बहुत सारे हैं, संस्कृत विभाग है अपना। चूँकि मैं तो यहाँ का संस्कृत विभाग का ही छात्र रहा हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगा संस्कृत विभाग अपने यहाँ का, इस महाविद्यालय में संस्कृत विभाग जो मेरा संस्कृत विभाग है उसमें आचार्य से अपनी समस्या को बच्चा किस प्रकार साझा करता है वो मैंने यहाँ से सीखा है। और कोई बिना किसी हिचक के, बिना किसी हिचकिचाहट के मैं अपनी समस्या को गुरु से कहता था, गुरु जी मेरी समस्या का समाधान करते, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा अपना विभाग। अहो भाग्य तिवारी जी, आज हम आपको इतना बेहतर तरीके से सुन पा रहे हैं और इस महाविद्यालय के जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उसको भी हम लोग जान सकें। तिवारी जी, हम लोग कुछ ऐसे मुद्दों को भी जानना चाहेंगे जो कि लड़कियों से जुड़ा हुआ है, जो कि ये कोएडेड कॉलेज है। अब मुझे लग रहा है एक मात्र ऐसा एफिलेटेड कॉलेज BHU का है जहाँ पे लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ाई करते हैं। तो क्या आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि लड़कियों के लिए ये कॉलेज कैसा है? लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है कॉलेज, लेकिन जब लड़कियों के लिए तीन कॉलेज तो एफिलेटेड हैं, एक कैंपस में अंदर भी लड़कियों के लिए है, तो ज़्यादातर लड़कियां प्रेफर करती हैं कि MMB उनको मिल जाए जो कैंपस के अंदर है। और ज़्यादातर लड़कियों को MMB मिल भी जाता है, और कुछ लोगों को नहीं मिलता है तो कुछ लोग आर्य महिला ले लेती हैं, कुछ लोग BKM ले लेते हैं, कुछ लोग वसंता ले लेते हैं, इस प्रकार से ले लेते हैं। तो ज़्यादातर तो सारी लड़कियाँ अपने लड़कियों के कॉलेज में लेना चाहती हैं, और कुछ जो बच जाती हैं यदि उनको कहीं नहीं मिलता तो उनको DAV मिलता है तो वो लोग भी DAV ले लेती हैं, इसलिए ले लेती हैं क्योंकि यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है कि
मैं अकेली हूँ या दो चार लड़कियाँ हैं तो यहाँ पर उनको कोई समस्या होती, कोई समस्या नहीं होती है। वो एकदम अभय रूप से यहाँ पर रहती हैं, पढ़ती हैं, और जिस प्रकार से सारे टीचर लोग हम लोग का व्यवहार करते हैं, हम लोग के साथ व्यवहार करते हैं, हम लोग की क्रिया प्रतिक्रिया होती है, ठीक वैसी भी लड़कियों की भी यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया होती है। और ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ यदि ये सोचती हों कि यहाँ केवल लड़के ही पढ़ते हैं और मैं यहाँ पर एडमिशन ना लूँ, तो ऐसी बात नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जितने भी पीजी के क्लासेस चलते हैं उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या समान रहती है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जो यूजी में है आपके कॉमर्स के जो है, कॉमर्स में आपके लड़के लड़कियाँ समान रहते हैं, और जो आर्ट और सोशल है इसमें थोड़ा सा है कि लड़कियों की संख्या कम रहती है। इसलिए कम रहती है क्योंकि लड़कियों के भाई जाहिर सी बात है 3 एफिलेटेड कॉलेज हैं, एक आपका MMB है, तो सारी की सारी लड़कियां वहाँ लगभग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे एडमिशन ले लेती हैं। जो बच जाती हैं जिनका नंबर बहुत कम होता है वो DAV में आती, वो भी लेती हैं एडमिशन। ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं लेते हैं भाई, एडमिशन नहीं लेंगे, एडमिशन लेती हैं और वो भी पढ़ती हैं, तो इसलिए कोई समस्या नहीं, लड़कियाँ भी यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। इसी बीच हम लोग थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है मेन कैंपस तो मेन कैंपस है भाई, उसका प्रांगण बड़ा है, डिपार्टमेंट ज़्यादा है, फैकल्टीज ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है जी, बिल्कुल। वहाँ पे हेल्थ सेंटर है, स्विमिंग हेल्थ सेंटर, हेल्थ सेंटर की बात आपने कहा तो आपको ये बता दें कि यहाँ भी आपका छोटा सा एक हेल्थ सेंटर है। यदि बच्चों को कोई समस्या होती है, जो प्राथमिक चिकित्सक है वो प्राथमिक चिकित्सा यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगी, वो भी विश्वविद्यालय महाविद्यालय की तरफ से ही आपको निःशुल्क रूप में जो प्राथमिक चिकित्सा है वो भी आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी, चिकित्सा की भी यहाँ पर व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बच्चों के मानस पटल पे, और आपको भी आपके अग्रिम भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूँ विश्वविद्यालय के मुख्य भाग से पढ़ाई करते हुए आप आगे भी अपना जीवन साकार करें और ऐसे ही लोगों को प्रेरित करते रहें। तिवारी जी, इस वीडियो को बंद करने से पहले मैं एक दो पॉइंट्स और जी, जो कि बस एक शिक्षा पर ही है, जो छोटे बच्चे हैं, जो जूनियर हैं, जो आने वाले हैं बच्चे अभी, उनको आप बस एक दो पॉइंट्स, वो अपने जीवन को, अपने शिक्षा को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अपने आप जो हमारे आने वाले जो छात्र हैं, जो हमारे जूनियर हैं, यहाँ पर आते हैं भाई, लोग आते हैं तो लोग अपने अपने मार्ग से भटक जाते हैं, ठीक है। तो पहली बात है कि हमें अपने मार्ग से भटकना नहीं है, पहला फोकस कि हमें अपने लक्ष्य पे बना रहना है। दूसरों के लक्ष्य को, दूसरों के नज़र में आप ऐसा ना हो कि ये क्या कर रहा है, दूसरे के नज़र को हटा करके और अपने नज़र को अपने लक्ष्य पे जमा करके अपनी पढ़ाई को एकदम फोकस में रख के तैयारी करते रहिए। और बाबा विश्वनाथ की कृपा है, और बाबा विश्वनाथ कृपा है तभी आप लोग का काशी में एडमिशन हो रहा है, प्रवेश हो रहा है, और विश्वनाथ जी की कृपा से आप अपने यथेष्ट की सिद्धि करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप लोग आइए पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ते रहिए, सब एकदम बढ़िया है। इन तमाम बातों के साथ इस वीडियो का अंत होने जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा, और मैं साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, और इस विश्वविद्यालय के एफिलेटेड DAV में एडमिशन लेने वाले जो भी नौ आगंतुक हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएँ, भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएँ। ऑल द बेस्ट।